जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह प्राचीनतम काल से ही क्या है, एक अखंड भारत के रूप में रहा है। लेकिन अभी क्या है, कुछ विभाजनों के कारण वह अखंड भारत के रूप में नहीं है, लेकिन प्राचीनतम काल से हम अखंड भारत के रूप में रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं मगध के, मगध साम्राज्य में तब हमारे पास जो नंद राजा थे उनके रूप में, उस शासक के रूप में हमारा जो भारत था एक अखंड भारत के रूप में था। हमारा जो सीमा थी वो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक थी, अफगानिस्तान के गांधार तक, ठीक। तो हम क्या है, प्राचीनतम काल से ही एक अखंड भारत के रूप में रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे देश में कुछ ब्रिटिशर्स और कुछ जो वेस्टर्न पीपल आए, उन्होंने क्या हुआ, हमारे जो विविधता को, हमारी जो डाइवर्सिटी को, उन्होंने हमारी डाइवर्सिटी को डिफरेंस घोषित कर दिया, यानी उन्होंने हमारी विविधता को, हमारी भिन्नता को बता दिया, यानी उन्होंने हमारी विविधता को कुछ अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया, यानी कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाया, जिससे हमारे ही अंदर फूट पड़ी और हम धीरे धीरे विभाजित होते गए। जबकि जब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य में, जब नंद या हम अशोक के साम्राज्य की बात करते हैं, या हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जैसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी या जो सामाजिक व्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही ज़्यादा लिबरल, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जब अन्य विश्व में अन्य संस्कृतियाँ जब पनप भी नहीं रही थी, तब हमारे पास इस प्रकार की कोई एक ऐसी व्यवस्था थी जब पूरे विश्व का जो हमारे भारत केवल ट्रेड करता था वह 42% अकेले भारत पूरे विश्व में ट्रेड करता था। कब? गुप्त साम्राज्य के समय, यानी 6th सेंचुरी AD के समय की बात है, जब गुप्त साम्राज्य था। उसमें क्या था, हमारे जो समुद्रगुप्त शासक थे उनके समय में हमारा जो भारत है वह विश्व में 42% ट्रेड अकेले खुद करता था, ठीक। तो उस समय हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हम एक अखंड भारत के रूप में थे, यानी जो हमारी जो सीमाएं थी वो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक जाती थी, ठीक। यानी हम बात करें तो हमारे जो विश्व में, जो जैसे हम कहें कि विश्व में 100 रुपये हमारा घूम रहा है, तो उसमें केवल हमारा ही 42 रुपये होता था, यानी हमारी ट्रेड इतना ज़्यादा होता था, ठीक। यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो हिस्सा था बहुत ही ज़्यादा था, और हम इसलिए सोने की चिड़िया कहे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे उसके बाद जो कुछ ब्रिटिशर्स आए और वेस्टर्न लोग आए, उन्होंने हमारी क्या है जो विविधता थी, जब हम इस समय गुप्त साम्राज्य में हमारी विविधता, हम अपनी विविधता को समझते थे कि हम उसमें एक रह सकें, और एक रहते हुए हमने क्या हुआ, अपने देश को समृद्ध बनाया, अखंड भारत के रूप में रहे। सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति थी हमारी उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ठीक। तो हम